आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके साइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। रिजल्ट तो डाउनलोड सारे लोगों ने कर लिया, पर अब सबसे बड़ा डॉट ये होता है कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा कोर्स मिलेगा। NM मिलेगा, GNM मिलेगा, OT मिलेगा, लैब टेक्नीशियन मिलेगा, रेडियोलॉजी मिलेगा, फार्मेसी मिलेगा। तो सारे कोर्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आपका कितना रैंक है। आप अपना रैंक चेक करिएगा, और अगर इसके अंदर में आपका रैंक रहता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको आज रैंक कार्ड बताने वाला हूं कैसे चेक करना है। एक होता है ओपन रैंक, एक होता है वोमेन रैंक, कौन से रैंक चेक करना है सर, सारा डॉट इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। शर्तें कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे टीम से हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सबसे पहले अपना रैंक कार्ड चेक करवा लेना है, और उसके बाद अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो चलिए आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास इस प्रकार से एक रैंक कार्ड होगा। ये मैं लड़कियों का बता रहा हूं, जो भी लड़की हैं, महिला लोग हैं, उन्हीं का बता रहा हूं मैं, वोमेन है। सबसे पहले उन लोगों का दो कैटेगरी होता है, एक ओपन रैंक होता है, एक आपका वोमेन रैंक होता है। पहले इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए एक ओपन रैंक होता है, एक वोमेन रैंक होता है। लड़की लोगों का जो GNA मैंने मिलता है वो आपका वोमेन रैंक से मिलता है, ऐसे ही बोला जाता है। पर पिछले साल जो NM और GNA मिला है, ध्यान दीजिएगा, NM और GNM नर्सिंग जो मिलता है वो आपका वोमेन रैंक से मिलना चाहिए, और बाकी जो OT, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, अदर कोर्स जितने भी हैं वो ओपन रैंक से मिलता है, लड़का एवं लड़की दोनों को। पर पिछले साल BCC बोर्ड ने क्या किया कि NM और GNM नर्सिंग भी ओपन रैंक से दिया। तो हम लोग ओपन रैंक से ही इस बार भी हम लोग अपना समझेंगे कि ओपन रैंक से इस बार भी मिलेगा, तो फिर इस वोमेन रैंक का कोई काम नहीं रहा। तो वोमेन रैंक समझ गए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है ओपन रैंक। क्योंकि पिछले साल NM, GNM और बाकी जितने भी सारे कोर्सेस हैं, सारे के सारे कोर्स आपको ओपन रैंक से मिले थे। तो चलिए हम आपको ओपन रैंक को समझा देते हैं। ओपन रैंक को समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे ये UR रैंक है, मतलब कि आपका UR रैंक है 8702, EBC कैटेगरी 2922 और RCG कैटेगरी 4967। अब इनको कौन सा कोर्स मिलेगा तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं NM का बता रहा हूं, तो आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा आपका कौन सा कैटेगरी है। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं NM नर्सिंग का बता रहा हूं, अगर आपका UR 17000 है तो आपको NM नर्सिंग मिल जाएगा, EBC 6500 तक है तो मिल जाएगा, और अगर आपका RCG में 8500 तक है तो आपको NM नर्सिंग मिल जाएगा। NM का पहले आप अच्छे से कट ऑफ देख लीजिए एक बार फिर से, और आप डाउन करिए, देखिए आपका कैटेगरी कौन सा है। UR तो सबके पास होगा, UR में 17000 तक है तो आपको NM नर्सिंग मिल जाएगा। अगर आपका 17000 से ज्यादा है, 20000 है, 30000 है, तो फिर आपका UR से नहीं मिलेगा, ये खत्म हो गया। अब आपको अपना कैटेगरी देखना है, कैटेगरी कौन सा है, और जो ज्यादातर जो कॉलेज अलॉट होता है वो कैटेगरी रैंक से होता है। अगर आपका BC कैटेगरी है तो 8000 के अंदर होना चाहिए, 8000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांस है। चलिए EBC कैटेगरी में 6500 के अंदर में होना चाहिए, अगर 7000 है तो नहीं मिल पाएगा, 6500 है तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग नहीं करेंगे, सबका काउंसलिंग करेंगे। इतना समझ लो कि जिनका 6500 है, रसगुल्ला पेड़ा बांट सकते हो, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की गारंटी हमारी रही। आगे EWS कैटेगरी 2100 तक मिलेगा, पिछले साल 2000 तक मिला है, 2100 तक इस बार समझ लो एकदम सेफ है। SSC कैटेगरी में 3400 तक मिलेगा, और कैसे बोल रहे हो सर, लाइव प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लेना, 3400 तक आपको मिल जाएगा। ST कैटेगरी अगर आपका है तो 80 तक मिल जाएगा, अगर आपका ST कैटेगरी है सर तो आपको 80 रैंक तक मिल जाएगा। DQ कोटा अगर आपका है विकलांग वाला तो 1500 रैंक तक आपको मिल जाएगा। RCG कैटेगरी है तो 8500 रैंक तक आपको NM नर्सिंग मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अब इस लड़की का हम लोग समझते हैं, देखिए इनका UR कितना है, 8702 है, तो इनको UR से भी मिल जाएगा। EBC कैटेगरी
कैटेगरी में 6500 तक का मिल रहा है, तो इनका ईबीसी 2922 है, तो ईबीसी कैटेगरी से भी मिल जाएगा। आरसीजी में 8500, यानी इनको किसी भी रैंक से एनएम नर्सिंग मिल जाएगा, एनएम नर्सिंग मिल जाएगा। सबसे पहले अपना यूआर देखिएगा, यूआर ज्यादा है तो कैटेगरी देखिए, फिर आरसीजी देखिए, रिजर्वेशन गर्ल 8500 के अंदर में है तो मिल जाएगा। तो एनएम नर्सिंग का तो आप लोग समझ गए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे कोर्सेस को भी आपको समझाते हैं, लड़का लोगों का भी समझाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिए, सारा डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, जिनको जीएनएम नर्सिंग चाहिए, एनएम का मैंने बता दिया सबसे पहले, अब जिनको जीएनएम नर्सिंग चाहिए उनको अपने यूआर में 2900 होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो फिर आपको एनएम मिलेगा, जीएनएम नहीं मिल पाएगा। बीसी कैटेगरी में 850 होना चाहिए, अगर आपका बीसी कैटेगरी में 850 से ज्यादा है तो फिर आपको जीएनएम नहीं मिलेगा, फिर आपको एनएम मिलेगा। ठीक है, समझ गए, मतलब कौन सा कैटेगरी देखिए, जैसे इनका ईबीसी कैटेगरी है, ओपन में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वोमेन कैटेगरी को गोली मार के हटा देना है, क्या करना है इसको हटा देना है। अब वोमेन रैंक का कोई मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओपन रैंक आपको देखना है, क्योंकि ओपन रैंक से ही आपको कॉलेज अलॉट करेगा, तो ओपन रैंक देखना है। ईबीसी में 2900 है तो क्या इनको जीएनएम मिलेगा, देखिए ईबीसी में 1100 तक ही जीएनएम है, उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा है तो फिर आपको एनएम मिलेगा। तो ईबीसी में 1120 तक मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में 460 तक मिलेगा, एससी कैटेगरी में 900 तक मिलेगा, एसटी कैटेगरी है तो 58 तक मिलेगा, डीक्यू कोटा है तो आपका 150 तक, आरसीजी कैटेगरी है तो 250 रैंक तक आपको जीएनएम नर्सिंग मिल जाएगा। अगर फिर भी डॉट है तो एक नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप करो, रैंक कार्ड भेजो। चलिए अब आगे देखते हैं सर जी, एक लड़के का भी मैंने ले लिया, आदित्य कुमार हमारे स्टूडेंट, एससी कैटेगरी में इनका 596, यूआर में 5547, यानी जो लड़का है ना उनका सिर्फ एक ही तरीके का रैंक होगा जो कि ओपन रैंक होगा। लड़की लोगों का दो रैंक होगा, एक वोमेन रैंक होगा, एक ओपन रैंक होगा, पर जो लड़के हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही रैंक होगा और वो होगा ओपन रैंक। अब ओपन रैंक चेक कर लीजिए, इनका यूआर में 5547 है, एससी कैटेगरी में 596 है। आपको मालूम होगा कि लड़का लोगों को एनएम और जीएनएम तो मिलता नहीं है, तो उनका रैंक देखना बेकार है। अब इनका रैंक देखेंगे इसमें, बॉय और गर्ल्स दोनों में, और ध्यान दीजिएगा कि जो लड़के एवं लड़कियां हैं उनको सारे कोर्स मिल सकते हैं, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जितने सारे कोर्स हैं सारे कोर्स लड़के एवं लड़कियां दोनों कर सकते हैं। तो आप अपना रैंक मिलाइएगा, देखिए इनका कितना है, यूआर में इनका 5500 है और एससी में 596 है, इनको कौन सा कोर्स मिलेगा, यूआर में 9000 तक है, यानी इनको सारे कोर्स मिल जाएगा लगभग। अब इनका एससी कैटेगरी में कितना है, एससी कैटेगरी में 500 है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको ओटी कोर्स मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, इनको सारे कोर्स, डीएमएलटी मिल जाएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर मिल जाएगा, ईसीजी मिल जाएगा, एनेस्थेसिया मिल जाएगा, फार्मेसी नहीं मिल पाएगा, फार्मेसी के लिए अच्छे रैंक होने चाहिए थोड़ा सा। अगर आपको डिक्लेयर पूरा करवाना है तो आप इसका रैंक कार्ड जाके हमारे व्हाट्सएप पे चेक करवा लेना, पर जिनका इसके अंदर में है उनको कॉलेज मिल जाएगा। देखिए 5500 है, इनका 9000 तक मिल रहा है, यानी मिल जाएगा आराम से। बीसी कैटेगरी में अगर 5000 है लड़का एवं लड़की दोनों का, अगर आप लड़के हैं तो आपका 5000 के अंदर होना चाहिए, लड़के हैं तो यूआर में 9000, ईबीसी में 4500। अगर 9000 से ज्यादा भी है, अगर आप लड़की हैं तो फिर आपको एनएम मिल जाएगा, क्योंकि एनएम 17000 तक मिल रहा है। EWS में 1300 तक, अगर आप लड़का हैं तो ये लड़का का स्पेशल है, लड़की का भी स्पेशल है दूसरे कोर्स का, एनएम जीएनएम छोड़ के 3500 तक एससी में आपको मिल जाएगा, एसटी में 60 तक मिल जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जाइएगा नहीं कहीं पे। देखिए डीक्यू कोटा है, डीक्यू कोटा में 500 रैंक तक, और आरसीजी लड़के का नहीं होता है, ठीक है, ये लड़की का होता है इसलिए 00 लिखा हुआ है। तो मैंने सारा कट ऑफ बता दिया, जीएनएम का, एनएम का, और ये सारे कोर्सेज का कट ऑफ है। अब अपना आप रैंक कार्ड चेक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, या मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी लिख देता हूँ, दो व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी पर भी व्हाट्सअप करके रैंक कार्ड चेक करवा सकते हैं। 9135766065, इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9135766065, 9570 7065, 9570 7065, 12 इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप करके अपना रैंक कार्ड चेक करवा सकते हैं। और एक सावधानी आपको बरतनी है, YouTube वाले कुछ भी वीडियो बना देते हैं, कि मैं देखा कल ही कि कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि बीसी कैटेगरी में सिर्फ 2000 तक मिलेगा, क्या सर सच में 2000 तक मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, काउंसलिंग एक्सपर्ट
मैं विक्रम राठौर आपको बता रहा हूं कि 8000 रैंक तक एकदम गारंटी मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाऊंगा, ईबीसी में 6500 तक। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, बस एक से दो मिनट का और कीमती समय आपका लूंगा, और पिछले साल का कुछ लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस दो तीन दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। कोई भी यूट्यूब पे आपको एक्यूरेटेड कट ऑफ नहीं बताएगा, ये जान लीजिए। जो मैंने कट ऑफ बताया है इसके अंदर में अगर आपका कट ऑफ आता है 100% मैं लिख के गारंटी देता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चलिए सर, कुछ आपको मैं आपको लाइव प्रूफ पिछले साल का दिखा देता हूं। देखिए, पिछले साल का एनेस्थेसिया टेक्नीशियन लड़का है और इनको बीसी कैटेगरी में 5000 रैंक है, फिर भी मिला कि नहीं मिला? अरे मैं जो बोला हूं ना कि लड़का को 5500 तक मिल जाएगा, मिल जाएगा, गारंटी है। 8000 रैंक तक बीसी में अगर लड़की है तो मिल जाएगा एनएम। जो मैं दिखा रहा हूं कुछ लाइव प्रूफ दिखा देता हूं, यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो बना देते हैं और आपको आपकी धड़कन बढ़ा देते हैं, इसलिए बोलता हूं कि ऑकरेटेड। देखिए, यूआर में सारे लोग वीडियो बना रहे, 7000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर इनको कैसे मिल गया? 10000 रैंक है, देख लीजिए यूआर, देख लीजिए कैसे यूआर में इनको अलॉट हुआ है, और देख लीजिए इनको एनएम नर्सिंग मिला, एनएम स्कूल, ये गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट ही कॉलेज है, एनएम स्कूल आप देख लीजिए गोपालगंज का, तो इनको कैसे मिल गया? कैसे मिल गया सर? हमसे कौन सेलिंग करवाए थे? आप अगर हमसे कौन सेलिंग करवाना चाहते हैं कौनसेलिंग के लिए, आज ही से पेमेंट शुरू हो रहा है, आज ही से स्लॉट अपना बुक करिए व्हाट्सएप करके। 10000 इनका तो दिखा दिया, कुछ और प्रूफ दिखा देता हूं। बहुत सारा स्टूडेंट है कौनसेलिंग एक्सपर्ट है सर, हर साल हजारों स्टूडेंट का कौनसेलिंग करते, ईबीसी कैटेगरी 4843 ईबीसी कैटेगरी, देख लीजिए एनएम नर्सिंग, जल्दी से देख लीजिए। एनएम नर्सिंग इनको मिला है और ये पिछले साल का है, पिछले साल का मैं दिखा रहा हूं। ये सब क्या है सर जी? अलॉटमेंट लेटर है, देख लीजिए। आगे कुछ और दिखा देता हूं आपको जल्दी जल्दी, लेट ना करते हुए। देखिए, एसएससी कैटेगरी में 2800 रैंक, मैंने कितना बोला? एसएससी में 3400 रैंक तक मिल जाएगा। अरे हमने दो साल से किया सर, हमारे इतना कोई बिहार में एक्सपर्ट नहीं होगा, काउंसलिंग एक्सपर्ट ऐसे नहीं बोला जाता हमें, काउंसलिंग एक्सपर्ट एनएम स्कूल निर्मैली सुपौली का, इनका स्टेटस भी मैंने लगाया था दो तीन दिन पहले, अरे जलवा है हमारा जी, काउंसलिंग एक्सपर्ट। चलिए सर आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, इनका देख लीजिए 4700 रैंक, ईबीसी, ईबीसी में 4738, देख लो कॉलेज, देखो सारे गवर्नमेंट कॉलेज है सर, देख लो सरकारी कॉलेज मिला है मधुबनी का इनको, सब डिविजनल का, एनएम का 73 कॉलेज है, कैसे मिल गया सर बताओ? यानी कि सारे लोग आपको कहीं ना कहीं आपको डरा रहे हैं बाबू, ईबीसी कैटेगरी में 6500 तक आपको एनएम मिल जाएगा, 6500 तक मैंने बताया शायद, अच्छे से कट ऑफ वाला देख लेना। चलो आगे देख लो, कुछ और दिखा देते जल्दी जल्दी करते हैं। एनएम नर्सिंग देख लीजिए ईबीसी में 4833, अरे जो मैंने बोला है ना एकदम सेफ है, उतना तक मिल जाएगा। और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो जल्दी से पेमेंट करके जुड़िए, काउंसलिंग का अपना सीट बुक करिए। देखिए 2800 यहां पर, देखिए इधर देखिए, एसएससी कैटेगरी में 2800 रैंक तक, कैटेगरी भी देख लीजिए एनएम नर्सिंग, एनएम स्कूल सुपौल का इनको मिला है। चलिए आगे देख लेते जल्दी जल्दी, ऐसे बहुत है दिखाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ईबीसी में 4700 देख लीजिए, एनएम नर्सिंग, एनएम नर्सिंग का देख लीजिए कुछ और, एनएम नर्सिंग 4833 ईबीसी से। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से, ईडब्ल्यूएस वाले, चलो ईडब्ल्यूएस वाले देख लो, ईडब्ल्यूएस में 1792, इस बार 2100 तक मिल रहा है, जान लो 2100 तक मिल रहा है, 1792 तक पिछले साल, एनएम त्रिवेणीगंज सुपौल। चलिए आगे सर जल्दी से, ऐसे ही नहीं सर, पूरा लाइव प्रूफ लेकर आता हूं, और अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी पेमेंट करके अपना स्लॉट बुक करिए, सीट लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अपना रैंक कार्ड पहले चेक करिए, उन्हीं का मैं कौन सेलिंग करूंगा जिनका हो सकता है, बाकी लोगों का नहीं। ईबीसी कैटेगरी में 596 जीएनएम नर्सिंग यहां पर पिछले साल देख सकते हैं। चलिए जल्दी सब इतने ही रहने देते, बहुत है यहां पर, देख लीजिए 71 पेज है यहां पे, देखिए अभी 32 तक है, बहुत पेज है, बहुत सारा एग्जांपल है, एग्जांपल इसलिए ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके। बीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में बाबू 4968 पिछले साल का अलॉटमेंट लेटर, पीएमआई देख लो, ऑर्थोपेडिक्स प्लास्टर टेक, बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत समय लगेगा। तो चलिए इतना प्रूफ आपको काफी है ताकि विश्वास हो जाए, क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल वाले को मालूम नहीं कौन कीड़ा काटा है, उल्टा पुल्टा कट ऑफ बता देते, अरे जानकारी नहीं है, नहीं बताओ बीसी कैटेगरी में 4378 तक कौन सा देख लो थेरेपी इनको मिल गया है, आगे देख लेते, उल्टा पुल्टा क्यों जानकारी देना, नहीं मालूम है नहीं बताओ। चलो सर ये अलॉटमेंट लेटर बीसी कैटेगरी में 2849 यहां से देखो, ये सब अलॉटमेंट लेटर का है, देख लो 5000 बीसी कैटेगरी में एनएम, देख लो कैसे नहीं मिलेगा बाबू, बेस्ट चंपारण का देख लो, ईस्ट चंपारण का। तो चलिए बहुत सारा इस प्रकार से एग्जांपल।